नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल QED पर, जिसका मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बौद्ध धर्म का दूसरा भाग लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बौद्ध धर्म के दूसरे भाग में आज हम बौद्ध धर्म के विभिन्न साहित्य और विभिन्न संप्रदायों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बौद्धिज्म का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे जाकर देखें, अन्यथा आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 के जो लिंक हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो प्लीज जाकर आप विजिट करें, देन उसके बाद पार्ट 2 को देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके जो प्रमुख शिष्य थे उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब आगे बौद्ध धर्म को किस प्रकार से चलाया जाए, और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे उनके द्वारा दिए गए उपदेश तथा उनके सिद्धांतों को रिटर्न फॉर्म नहीं किया गया था, अर्थात लिखा नहीं गया था। अतः उनके प्रमुख शिष्यों ने बौद्ध धर्म के उपदेश तथा शिक्षाओं का संकलन करने के उद्देश्य से अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर बौद्ध संगतियां बुलाई। कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते रहे। दोस्तों, महात्मा भारतीय इतिहास में 4 बौद्ध संगतियों का उल्लेख किया गया है, और इन बौद्ध संगतियों का समय याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हो जाती है, तो उनकी जो पहली बौद्ध संगति थी उनकी मृत्यु के 2 माह पश्चात 483 ईसा पूर्व में ही आयोजित करवाई जाती है। दूसरी बौद्ध संगति उनकी मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात अर्थात 383 ईसा पूर्व में आयोजित करवाई जाती है। तीसरी बौद्ध संगति उनकी मृत्यु के 231 वर्ष पश्चात अर्थात 250 ईसा पूर्व में आयोजित करवाई जाती है, जबकि प्रथम बौद्ध संगति जो अंतिम बौद्ध संगति थी उसे प्रथम शताब्दी ईस्वी में अर्थात 78 ईस्वी में आयोजित करवाया जाता है। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति मगध की राजधानी राजगृह में आयोजित करवाई जाती है, और 483 ईसा पूर्व में मगध के ऊपर हर्यंका डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार नामक व्यक्ति ने की, और बिंबिसार के पश्चात इस वंश का जो अगला शासक हुआ वो था अजातशत्रु, जिसे भारतीय इतिहास में पुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 2 माह पश्चात राजगृह में स्थित सप्तकिरणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पूर्ण महाकश्यप। इस बौद्ध संगति की विशेषता ये रही कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी संख्या 3 है, उनको संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें से जो शुरुआती 2 पिटक हैं, सूत्र पिटक और विनय पिटक, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में कर दिया जाता है। दूसरी बौद्ध संगति मगध की ही दूसरी राजधानी वैशाली में आयोजित करवाई जाती है। इस समय मगध के ऊपर शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना, शिशुनाग वंश का शासन होता है, और इस शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग नामक व्यक्ति ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके की। इस वंश का जो अगला शासक हुआ वो था कालाशोक, और कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सर्वथान। इस बौद्ध संगति में जो बौद्ध साधुओं का संघ था उसमें मतभेद पैदा हो जाते हैं, और बौद्ध संघ दो हिस्सों में थेरवादी और महासंघ 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। थेरवादी आगे चलकर हीनयान कहलाए और महासंघिक आगे चलकर महायान कहलाए, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगति मगध की तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई जाती है 250 ईसा पूर्व में, और इस समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था, और जो मगध वंश के शासक थे उनका नाम था सम्राट अशोक। और इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि ये क्या है, इनकी रचना किसने की और इनमें क्या क्या बातें
लिखी हुई। चौथी बौद्ध संगति 78 ईस्वी में आयोजित करवाई जाती है कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, और ये करवाई जाती है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में, जिन्हें भारतीय इतिहास में द्वितीय अशोक अर्थात सेकंड अशोक भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वासुमित्र। और इस बौद्ध संगति में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में हीनयान तथा महायान में विभक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के साहित्य के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों से परिचित कराना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म शुरुआती समय में केवल दो ही संप्रदायों में विभक्त हुआ, एक कहलाए हीनयान और एक कहलाए महायान। लेकिन कालांतर में आगे आने वाले समय में हीनयान भी आगे चलकर दो हिस्सों में बंट जाएगा और महायान भी आगे चलकर दो हिस्सों में बंट जाएगा। उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हीनयान और महायान के जो बेसिक डिफरेंस हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। अर्थात मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो हीनयान जो है वो प्राचीन परंपराओं पर आधारित धर्म है, जबकि महायान संप्रदाय अपेक्षाकृत नया है, जिसने अपने नियमों में कुछ परिवर्तन कर लिया हो। हीनयान संप्रदाय व्यक्तिवादी है, जबकि महायान संप्रदाय समष्टिवादी है। अर्थात हीनयान संप्रदाय केवल व्यक्तिगत कल्याण की बात करता है, जबकि महायान संप्रदाय संपूर्ण विश्व या संपूर्ण जगत के कल्याण की बात करता है। हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, अर्थात उनको किसी अवतार या किसी देवता का दर्जा नहीं दिया गया है, इसीलिए वो मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक अवतार या देवता की तरह देखा गया है, इसीलिए वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान संप्रदाय के प्रारंभिक ग्रंथ जो है वो उसी भाषा में है जिस भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, इसलिए हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ महायान संप्रदाय ने संस्कृत भाषा को अपनाया और संस्कृत भाषा में ही अपने ग्रंथ लिखे। अगर हम हीनयान संप्रदाय के कुछ प्रमुख बौद्ध साधुओं की बात करें जिनका उल्लेख भारतीय इतिहास में मिलता है, तो उनमें वसुबंधु, कुमारलत और इत्सिंग जो ह्वेनसांग के शासनकाल में भारत आए थे, उनका प्रमुख नाम आता है। वहीं महायान संप्रदाय में भारत के आइंस्टीन कहे जाने वाले नागार्जुन, ह्वेनसांग जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए, और मैत्रेय, इनका नाम प्रमुख है। अगर हम हीनयान संप्रदाय के विस्तार क्षेत्र की बात करें तो हीनयान संप्रदाय का विस्तार क्षेत्र वहीं तक सीमित रहा जहां इसकी मूल रूप से स्थापना की गई, और आप जानते हैं कि हीनयान संप्रदाय का उद्भव मगध क्षेत्र में हुआ, यानी कि वर्तमान बिहार में हुआ, जबकि महायान संप्रदाय का विस्तार क्षेत्र आज के कश्मीर और मथुरा में पाया जाता था। दोस्तों, मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में ये सवाल दिया गया था कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, वो स्थान था मथुरा। अब वो मथुरा से ही क्यों प्राप्त हुई, शायद इस बात का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि मथुरा में महायान संप्रदाय का विस्तार क्षेत्र था, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, इसीलिए मथुरा से वो मूर्ति प्राप्त होती है। आगे चलकर हम जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय है, ये आगे चलकर दो दो हिस्सों में विभक्त हो जाते हैं। महायान हीनयान संप्रदाय जो है वो वैभाषिक और सैद्धांतिक में विभाजित होता है, वहीं जो महायान संप्रदाय है वो शून्यवाद और विज्ञानवाद में परिवर्तित होता है, या हम कहें कि विज्ञानवाद में विभक्त हो जाता है। अगर हम वैभाषिक की बात करें तो वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति कश्मीर क्षेत्र में हुई। इनके अनुसार वस्तु का निर्माण परमाणु से होता है जो निरंतर अपना स्थान बदलते रहते हैं, और इनके अनुसार जो जगत है, जो बाहरी संसार है, उसका ज्ञान केवल इंद्रियों से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वही सैद्धांतिक जो संप्रदाय है इसका मुख्य आधार सुत्त पिटक होने के कारण इसका नाम सैद्धांतिक पड़ता है,
और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कुमार लात माने जाते हैं जिन्होंने इसका प्रवर्तन किया। वही जो महायान संप्रदाय है वो शून्यवाद अर्थात जिसे माध्यमिक मार्ग भी कहा जाता है और विज्ञानवाद जिसे योगाचार भी कहा जाता है उसमें परिवर्तित हो जाता है, उसमें व्यक्त हो जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है मध्यम कारिका और इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय या मैत्रेयनाथ माने जाते हैं जिन्होंने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में विज्ञानवाद या योगाचार का प्रवर्तन किया। इसमें योग तथा आचार पर विशेष बल दिया जाता है, इसी कारण इसको योगाचार भी कहा जाता है। दोस्तों पांचवी या छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म में जादू टोने पर आधारित एक नए संप्रदाय का विकास हुआ जिसने आगे चलकर भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग भी प्रशस्त किया था। इसमें जादू टोने पर विशेष बल दिया जाने लगा और इसके जो सिद्धांत हैं वो आपको मंजूश्री मूलकल्प तथा कुहा समाज नामक ग्रंथों में मिल जाते हैं। ये लोग भिक्षा और तप के स्थान पर मैथुन और मांस के सेवन पर बल देते हैं। इसी संप्रदाय को वज्रयान संप्रदाय नाम दिया गया। इसी संप्रदाय के समानता में ही सिमिलर ही एक नया संप्रदाय आज के तिब्बत क्षेत्र में विकसित हुआ जिसका नाम था लामा संप्रदाय। आपने दलाई लामा का नाम अच्छे से सुना होगा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रमुख साहित्य हैं, जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी तीन संख्या तीन है, इसलिए उनको संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है और ये एक पिटक में यानी कि एक पिटारी या टोकरी में मिले इसलिए इनको त्रिपिटक भी नाम दे दिया जाता है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सुत्त है इस सुत्त पिटक में सुत्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है धर्मोपदेश। इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश तथा शिक्षाओं का संकलन किया गया है और यह पिटक समस्त बौद्ध ग्रंथों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया अर्थात बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। यह ज्यादा बड़ा अधिक बड़ा है इसलिए इसे पांच निकायों में विभाजित किया गया है। उन पांच निकायों के नाम है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, और पांचवा जो निकाय है उसका नाम है खुद्दक निकाय। इसको बोल्ड करने का मेरा एक कारण है क्योंकि खुद्दक निकाय से कई बार सवाल दिए जाते रहे हैं। इस खुद्दक निकाय में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कहानियां प्राप्त होती हैं जिनको जातक कथा कहा जाता है। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी होने के बावजूद पूर्व जन्म में विश्वास करता है। खुद्दक निकाय में हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि महात्मा बुद्ध ने इस जन्म से पहले 550 और जन्म लिए थे और उन जन्मों से रिलेटेड जो भी कहानियां हैं, टेल्स जो हैं, उनको जातक टेल्स या जातक कथा कहा गया है, वो अंतिम निकाय खुद्दक निकाय में प्राप्त होती है। और इस पिटक से बौद्धिज्म काल जो था उसकी राजनीतिक स्थिति का भी पता चलता है। और इस पिटक की रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य जिनका नाम था आनंद, उन्होंने की थी। दोस्तों दूसरा पिटक है विनय पिटक। इसमें जो शब्द है विनय, ये हिंदी में एक शब्द होता है व्यवहार, बिहेवियर, उसका सिमिलर है, उसका सिनोनियम है, उसका पर्यायवाची है, ठीक है दोस्तों। तो इस पिटक में जो संघ संबंधी नियम बनाए गए थे कि बौद्ध साधु क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, उन्हें आम लोगों के साथ कैसा आचार व्यवहार रखना होगा, वो समस्त नियम विनय पिटक में दिए गए। विनय पिटक जो है वो कई हिस्सों में विभाजित है जैसे कि पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार। अगर इनको मैं आपको थोड़ा समझाऊं तो पातिमोक्ष जो है उसमें नियमों के भंग हो जाने के पश्चात
आपको क्या प्रायश्चित के रूप में करना होगा वो सारा उल्लेख दिया गया है। वहीं जो सुत्त विभंग है, सुत्त विभंग को दो हिस्सों में फिर से डिवाइडेड किया गया है, एक है महाविभंग और एक है भिक्खुणी विभंग। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं, जबकि भिक्खुणी विभंग में बौद्ध भिक्षुओं के भिक्षुणी जो फीमेल थी उनके लिए नियम बनाए गए हैं। और इसकी रचना महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य उपाली ने की। तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है, इस पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या प्राप्त होती है, यानी कि इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। और ये जो पिटक है ये प्रश्न उत्तर के संबंध में के रूप में संकलित है। इसमें एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित और उसका उत्तर भी साथ में दिया गया है। इस पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस नामक एक बौद्ध साधु ने की, और ये ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि ये बौद्धिज्म में संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। और इसमें 7 अन्य छोटे ग्रंथों का संकलन मिलता है, जैसे कि धम्म संगणी, धातु कथा, यमक, पट्टन, कथा वस्तु जैसे प्रमुख ग्रंथ अभिधम पिटक के अंतर्गत आते हैं। प्रिय मित्रों, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो है बौद्ध ग्रंथ की, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। दरअसल ये एक पुस्तक है जो एक बौद्ध साधु थे जिनका नाम था नागसेन, उन्होंने लिखी थी। इस ग्रंथ में प्रसिद्ध यवन शासक जिनको इंडो ग्रीक भी कहते हैं, उनका नाम था मिनांडा, इनको बौद्ध साहित्य में एक नाम दिया गया है मिलिंद। और मिनांडर और नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म से संबंधित जो चर्चाएं हुई उनको संकलित किया गया है, जिसमें मिनांडर ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई गूढ़ रहस्य से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका आसान और सरल भाषा में नागसेन ने उनको जवाब दिया, जिनसे प्रभावित होकर मिनांडर ने आगे चलकर बौद्ध धर्म स्वीकार किए। ठीक है दोस्तों, तो ये है मिलिंद पन्हो, जो कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके अतिरिक्त बुद्ध चरित, सौंदर नंद और सारी पुत्र जैसी जो बौद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं, या हम कहेंगे बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, वो एक ही व्यक्ति ने लिखे, जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार और कवि हैं, जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे, सॉरी दोस्तों, ये जो पुस्तक है बुद्ध चरित जिसकी रचना अश्वघोष ने की है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि बुद्ध चरित जो है इसमें बौद्ध महात्मा बौद्ध जो है उनके जीवन को सरल और सरस रूप में दिखाया गया है, बड़े सरल रूप से उनका विवरण दिया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के गर्भस्थ होने से लेकर और मौर्य सम्राट अशोक तक के शासन का वर्णन दिया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें मौर्य वंश के बारे में भी उल्लेख मिलता है। दूसरी पुस्तक है सौंदर नंद जो नाम है, दरअसल ये महात्मा बुद्ध के कजन थे, उनके सौतेले भाई थे। ठीक है दोस्तों, इसमें महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई सौंदर नंद का वर्णन है, जिन्होंने महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और साथ ही में उनकी पत्नी सुंदरी का भी इसमें उल्लेख मिलता है, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध की शिष्या बनती है। एक अन्य पुस्तक आपके डिस्प्ले पे आपको शो हो रही होगी, जिसका नाम है विशुद्धि मग्न। विशुद्धि मग्न की रचना एक बौद्ध साधु ने की, जिनका नाम था बुद्ध घोष। इस विशुद्धि मग्न नामक ग्रंथ को त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है दिव्य वदान। दिव्य वदान जो है ये महायान संप्रदाय का एक प्राचीन ग्रंथ है। एक दूसरे ग्रंथ का नाम है ललित विस्तार। ललित विस्तार जो है वो महायान संप्रदाय का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। एक अन्य पुस्तक है महावस्तु, जो हीनयान और महायान संप्रदाय की मध्य पुल या ब्रिज कहलाता है, क्योंकि इसमें हीनयान और महायान संप्रदाय के मध्य डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को बताया गया है,
इसीलिए इसे उन दोनों संप्रदायों के मध्य एक ब्रिज की तरह या सेतु की तरह बताया गया है। इसके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश और दिव्य वदान नामक जो ग्रंथ है वो भी बहुत धर्म से संबंधित है। इनमें दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त मौर्य सम्राट अशोक के बारे में भी उल्लेख मिलता है। ये दोनों ग्रंथ जो है ये हीनयान समुदाय से रिलेटेड है और ये दोनों आज के वर्तमान श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये दोनों हीनयान समुदाय का ही समर्थन करते हैं और इन दोनों ग्रंथों में आपको कहानी मिलती है कि मौर्य सम्राट अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का वध या हत्या कर दी थी, वो यही मिलता है। महाबोधि वंश भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाबोधि वंश के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले साधु का नाम उपगुप्त जो है वो इसी से प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बौद्धिज्म से रिलेटेड जो मैंने दोनों लेक्चर वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है जिससे आप कंफ्यूज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करें, मैं बहुत जल्दी ही आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।